तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने नान खटाई बनाई है और ये एकदम बाजार जैसी बनके तैयार हुई हैं। कितने अच्छे से कुक हुई हैं। तो इसको मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान खटाई की रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक कटोरी या कप ले लेंगे और उसी के नाप से सारी चीज़ों को लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर के मैदा ले लिया है, आधी कटोरी बेसन, दो चम्मच सूजी, आधी कटोरी पिसी चीनी ले लिया है और आधी कटोरी देसी घी। मैंने आधी कटोरी चीनी लेकर उसको मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लिया है। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ये घी डाल लेंगे। घी हम जमा हुआ ही लेंगे इसी तरह से, और इसमें चीनी डाल लेंगे। अब हम घी और चीनी को अच्छी तरह से फेंटेंगे। हम इसको इतना फेंटेंगे कि ये एकदम से क्रीम जैसा हो जाए और इसका कलर एकदम लाइट हो जाए। तो इसको लगातार फेंटना है और इसको लगभग 10 से 12 मिनट तक फेंटना है। तो इसको फेंटते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी बनके तैयार हुआ है और इसका कलर एकदम लाइट हो गया है। अब हम इसमें एक छन्नी रखेंगे और ये जो हमने मैदा, बेसन और सूजी लिया है और इनको सभी को हम डाल लेंगे छन्नी में। अब हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और एक चुटकी नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे जिससे इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। तो इन सभी चीज़ों को छाने ज़रूर, तभी ये अच्छी नान खटाई बनके तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने इनको छान लिया है। अब हम इनको इसमें मिक्स करेंगे। तो हम इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा हम इनको चम्मच से मिक्स कर देंगे, उसके बाद चम्मच हटा के हम हाथों से मिक्स करेंगे। अब चम्मच हटा देंगे और इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम इनको आपस में जोड़ेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो हम इसमें दूध या दो चम्मच घी और डाल देंगे। तो आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं। मैंने इसमें दो चम्मच दूध डाल दिया है। तो ये देखिए ये अच्छे से बन गया है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से डो बनके तैयार हो गया है, एकदम चिकना डो बन गया है। तो नान खटाई बनाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है और उसमें स्टैंड रख दिया है और उसको ढक के गर्म होने देंगे 10 मिनट तक। तो अब मैंने दो प्लेट ली हैं और उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगा लिया है, फॉइल पेपर, और इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इसी में नान खटाई को बेक करेंगे, पकाएंगे। तो इसी तरह से थोड़ा सा डो लेंगे और इसको लड्डू के आकार का बॉल जैसा बना के तैयार करेंगे। इनको दबाना नहीं है, बॉल जैसा ही बना के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं हम इसी तरह से बॉल जैसा बना के तैयार करेंगे। हम एक प्लेट में 6 से 7 नान खटाई ही बनाएंगे, नहीं तो वो आपस में चिपक सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो मैंने बादाम लिया है और उसको आधा कट करके, आधा आधा बादाम मैंने इसमें थोड़ा सा प्रेस करके लगा दिया है। आप चाहें तो इसमें चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे, पकाएंगे। तो ये देखिए भगोना अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये प्लेट रख देंगे और इनको ढक देंगे। अब 20 मिनट तक इनको धीमी आंच पे पकने देंगे। आंच को धीमा ही रखेंगे।
तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पके हैं, इसमें कितने अच्छे से क्रैक्स आए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। और ये नान खटाई एकदम वाइट कलर की बनके तैयार हुई है। तो अब हम इनको भगोने से निकाल लेंगे और इसी में हम ये दूसरी नान खटाई पकने के लिए रख देंगे और इनको भी हम 20 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे। तो ये देखिए मैंने ये नान खटाई 15 से 20 मिनट तक इसको ठंडा किया है, उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको ठंडा होने के बाद ही, नान खटाई को ठंडा होने के बाद ही दूसरे बर्तन में निकालें, नहीं तो वो टूट सकती हैं। तो ये देखिए एकदम टेस्टी सी नान खटाई बनके तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई हैं। नीचे की तरफ भी अच्छे से पकी हैं, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पक गई हैं। तो आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये नान खटाई अंदर से भी अच्छी तरह से पक गई हैं। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से पकी हैं और ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगी, एकदम टेस्टी नान खटाई बनके तैयार हुई हैं। तो अब सारी नान खटाई बन गई हैं, मैंने इनको ठंडा करके एक डब्बे में रख दिया है, एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख देंगे। तो आपको ये नान खटाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।